हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैंपियनशिप लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाए यहाँ से बोर्नमाउथ और वेस्ट ब्रोमविच अल्बियन के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी समाल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं चैंपियनशिप लीग की जो पॉइंट टेबल है उस पॉइंट टेबल पर इन दोनों टीमों की क्या है पोजीशन। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं चैंपियनशिप लीग की जो पॉइंट टेबल वहां पर। तो गाइस इस लीग की अभी शुरुआत है और शुरुआत में किसी भी टीम को हम जज नहीं कर सकते कि कौन सी टीम इस मैच में फेवरेट और अनफेवरेट टीम रहने वाली है हमारी समाली टीम बनाने के लिए ड्रीम इलेवन पर। इसलिए हम बात करेंगे प्रीवियस सीजन में इन दोनों टीमों जो परफॉर्मेंस है अपने अपने लीग में कैसा रहा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बोर्नमाउथ एएफसी, ये इसी लीग में पिछले सीजन सिक्स्थ पर फिनिश की थी। वहीं पर बात करते हैं वेस्ट ब्रोमविच, ये पिछले सीजन प्रीमियर लीग खेली और वहां पर इसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा और इसको रेलीगेट कर दिया गया और अब ये इसी लीग में खेलने वाली है। अब गाइस बात करें बोर्नमाउथ ने पिछले सीजन इसी लीग में अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और डिफेंसिव वाइज भी ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने ही प्रत्येक मैच में इसने एक गोल कंसीड किया। वहीं पर बात करें वेस्ट ब्रोमविच, जो कि प्रीमियर लीग में अटैकिंग वाइज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा इस टीम का, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में दो गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का इसका एवरेज रहा है। लेकिन गाइस बात करेंगे हम जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में एक फेवरेट टीम होने वाली हमारी समर लीग टीम बनाने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नज़र डालते हैं हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में पिछले पाँच हेड टू हेड मैचेस हुए हैं जिनमें से बोर्नमाउथ एएफसी ने दो मैच विन किए हैं, एक मैच ड्रॉ खेला है और दो ही मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। मतलब दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा हेड टू हेड में इक्वली रहा, क्योंकि दोनों टीमों ने दो मैच विन किए हैं और दो ही ड्रॉ खेला और एक मैच इन दोनों टीमों ने मतलब ड्रॉ खेला है और दो मैच ही लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज बोर्नमाउथ वेस्ट ब्रोमविच के सामने 0.8 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखती है और डिफेंसिव वाइज भी 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखती है। तो गाइज यहां से क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो अटैकिंग वाइज जल्दी से इन दोनों टीमों के बीच में गोल नहीं होते, बल्कि डिफेंसिव वाइज भी ये टीमें जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। अब गाइज बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ तो वेस्ट ब्रोमविच और बोर्नमाउथ 0-0 से मैच को ड्रॉ खेला, मतलब अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस नहीं रहा बल्कि दोनों टीमों का जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला और मैच का रिजल्ट 0-0 देखने को मिला। लेकिन उससे पहले मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ और बोर्नमाउथ उस मैच को 2-1 से विन कर गई थी अटैकिंग वाइज दो गोल के, लेकिन वेस्ट ब्रोमविच ने भी उस मैच में एक गोल किया था। तो गाइज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा बोर्नमाउथ का और डिफेंसिव वाइज एक गोल कंसीड कर दिया, लेकिन उससे पिछले मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में अगेन दो मैच हुआ और दोनों मैच यहाँ से वेस्ट ब्रोमविच ने विन किया। मतलब आप देख सकते हो वेस्ट ब्रोमविच ने 2-1 से भी विन किया और 1-0 से भी विन किया है, लेकिन उससे पिछले मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ और उस मैच को बोर्नमाउथ एएफसी ने 1-0 से विन किया। तो गाइज क्या चीज़ देखने को मिला, ये देखने को मिला दोनों टीमों ने एक एक मैच लॉस किया और वो मैच 1-0 से लॉस किया है, और दोनों टीमों ने एक एक मैच और विन किया और उस मैच में भी यही देखने को मिला दोनों टीमों की तरफ से दो दो गोल हुए और एक एक गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किया गया। तो गाइज प्योरिटी इक्वली परफॉर्मेंस रहा हेड टू हेड में, क्यों, क्योंकि इन दोनों टीमों की तरफ से इतने ही गोल स्कोर हुए हैं और इतने ही गोल डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड किए गए। तो गाइज 50-50 मान सकते हो कि इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस हेड टू हेड में। तो गाइज अब बात करते हैं इन दोनों टीमों जो रिसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, और वहां से इन दोनों टीमों के बारे में एनालाइज कर पाएंगे कि इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट टीम हो सकती है। तो गाइज सबसे पहले बात करें बोर्नमाउथ एएफसी,
फिलहाल के टाइम पर 6 मैच खेल चुकी है, जिनमें से 3 मैच किए हैं विन और 3 ही मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 2.2 गोल पर मैच स्कोर, मतलब ये टीम फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखती है। और डिफेंसिव वाइज 1.5, ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करती है और कभी कभी तो बेहतर टीम के सामने 2 गोल पर मैच भी कंसीड कर देती है। तो अटैकिंग वाइज गोल करती भी है और डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच बोर्नमाउथ 5-0 से विन करके आ रही है, मान सकते हो क्लब फ्रेंडली मैच था और मिल्टन किनियन के सामने, लेकिन उससे पिछले मुकाबले चेल्सी के सामने ये टीम 2-1 से लॉस कर गई। चेल्सी जो कि प्रीमियर लीग की सबसे बेस्ट डिफेंसिव वाइज टीम मानी जाती है। वहीं पर बात करते हैं ग्रांडा सीएफ के सामने इस टीम ने 2-1 से लॉस किया। तो गाइज इस टीम ने 2 मैच एक बेहतर टीम के सामने खेले, दोनों मैच में कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है, लेकिन अटैकिंग वाइज इस टीम ने 1 गोल पर मैच स्कोर भी किया है। लेकिन उससे पिछले मुकाबले बोर्नमाउथ 4-2 से मैच को विन किया और उससे पिछले मुकाबले ब्रेंटफोर्ड के सामने टीम ने 3-1 से लॉस किया और उससे पिछले मुकाबले ब्रेंटफोर्ड के सामने अगेन 1-0 से विन किया। तो गाइस परफॉर्मेंस बिल्कुल आप मान सकते हो अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल करने का एवरेज रखती है टीम और डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। तो गाइस अब बात करते हैं वेस्ट ब्रोमविच का जो रिसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर कैसा परफॉर्मेंस है। तो गाइस वेस्ट ब्रोमविच रिसेंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 3 मैच किए हैं विन और 1 मैच ड्रॉ और 2 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं, मतलब एक कम लॉस किया इस टीम ने, एक मैच ड्रॉ ज़्यादा खेला। अब बात करें जो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस इस टीम का, प्रत्येक मैच में 1.5, मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है और कभी कभी एक हल्की टीम के सामने 2 गोल पर मैच भी कर देती है। लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है, वो भी एक बेहतर टीम के सामने, हल्की टीम के सामने ये टीम जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच वेस्ट ब्रोमविच क्लब फ्रेंडली मैच खेलकर आई ब्रिंगम के सामने और उस मैच को इस टीम ने 4-0 से विन किया और ये भी चैंपियनशिप लीग की टीम है और काफ़ी अच्छी टीम है, उस टीम के सामने इस टीम ने 4-0 से विन किया। मतलब क्या चीज़ देखने को मिली कि वेस्ट ब्रोमविच चैंपियनशिप जो भी टीम खेलती है उस टीम के सामने इस टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उससे पिछले मुकाबले वाटफोर्ड के सामने जो कि फिलहाल के टाइम पर ये अब आपको प्रीमियर लीग खेलती नजर आएगी, जहां पर वेस्ट ब्रोमविच देखने को मिली थी पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन यहाँ से वाटफोर्ड और वाटफोर्ड के सामने इस टीम ने 0-0 से मैच को ड्रॉ खेला। अब यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिलती है, ये चीज़ देखने को मिलती है कि वाटफोर्ड जैसी टीम चैंपियनशिप लीग में पिछले प्रीवियस सीजन में फर्स्ट पर फिनिश किया था और इस साल इसको प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिला। तो अटैकिंग वाइज तो परफॉर्मेंस रहा ही इस टीम का और डिफेंसिव वाइज भी ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, लेकिन वेस्ट ब्रोमविच ने उस टीम के सामने मैच को 0-0 से ड्रॉ खेला। तो गाइज यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वेस्ट ब्रोमविच पिछले 2 मैच में अभी तक एक भी गोल स्कोर कंसीड नहीं कर पाई, बल्कि अटैकिंग वाइज 4 गोल किए, लेकिन उससे भी मुकाबले शेफील्ड वेडनेसडे के सामने ये टीम ने 2-0 से विन किया। तो गाइज फिर से इस टीम ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया, अटैकिंग वाइज 2 गोल किए, लेकिन उससे भी मुकाबले वॉकिंग के सामने इस टीम ने 1-0 से विन किया। तो गाइज पिछले 4 मैच में इस टीम ने अटैकिंग वाइज गोल किया है लेकिन डिफेंसिव वाइज एक भी गोल कंसीड नहीं किया, लेकिन उससे पिछले मुकाबले ये टीम 3-1 से लॉस करके आ रही, उससे पिछले मुकाबले अगेन इस टीम ने 3-1 से लॉस किया। और लीड्स यूनाइटेड जो कि आप मान सकते हो काफ़ी अटैकिंग वाइज टीम है और डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है और उस टीम के सामने इस टीम ने एक गोल फिर भी किया। तो गाइज परफॉर्मेंस इस टीम का यही देखने को मिला कि अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल करती भी है लेकिन डिफेंसिव वाइज चैंपियनशिप लीग वाली टीम के सामने गोल कंसीड नहीं करती, वैसे प्रीमियर लीग की टीम के सामने गोल कंसीड कर सकती है, वरना अपने लेवल की टीम के सामने की टीम बिल्कुल भी जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। तो गाइज इसलिए मैंने डीपली एनालाइज किया क्योंकि आप कुछ समझ में आई, और क्या समझ में आई कि ये मैच वेस्ट हम ब्रोमविच अच्छे से विन कर सकती है। अब गाइस बात करते हैं इस मैच का स्कोर रन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी शमाल लीग टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों को हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, तो क्या चीज़ देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर इन दोनों टीमों को रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग क्या चीज़ देखने को मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर इन दोनों टीमों का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन निकालेंगे। तो गाइज हेड टू हेड का अकॉर्डिंग तो यही चीज़ देखने को मिलती है, जब भी ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो अटैकिंग वाइज एवरेज गोल होते हैं, मतलब इक्वली गोल होते हैं, और डिफेंसिव वाइज भी इन दोनों टीमों तरफ से इक्वली गोल कंसीड किए जाते हैं। अब बात करें
रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या चीज़ देखने को मिली। बोर्नमाउथ प्रत्येक मैच में कम से कम दो गोल पर मैच स्कोर करते हैं रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं गोल कंसीड भी कर देती है। और वेस्ट ब्रोमविच जो कि प्रत्येक मैच में कम से कम वन गोल पर मैच स्कोर करते हैं और चैंपियनशिप जैसी लीग की टीम के सामने दो गोल पर मैच स्कोर करते हैं लेकिन डिफेंसिव वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करते। तो गाइज मैच बोर्नमाउथ एएफसी का होम ग्राउंड में है और होम ग्राउंड का एडवांटेज रहता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करे, और वेस्ट ब्रोमविच इस मैच में अवे टीम है। तो गाइस हल्का सा फेवर आप मान सकते हो कि बोर्नमाउथ इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए यहां से फेवरेट और अनफेवरेट के बारे में बात की जाए तो मैं दोनों टीमों को इक्वल टीम मान के चलता हूं आज की टीम बनाने के लिए। तो गाइज इसलिए मेरा इस मैच का जो स्कोरलाइन प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्नमाउथ भी इस मैच में एक गोल करेगी और कहीं ना कहीं वेस्ट ब्रोमविच भी एक इस मैच में एक गोल करेगी। तो गाइज 1-1 की प्रेडिक्शन, मतलब दोनों टीमों की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में गोल होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे बोर्नमाउथ के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, फिर गाइज बात करेंगे वेस्ट ब्रोमविच के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए हैं अपनी लीग में, तो उसके बारे में। उससे पहले बात करेंगे, अगर आप बिल्कुल नए हो ना, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और याद रहे लिंक के जरिए ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और कोई तरीका नहीं है हमसे जुड़ने का। वहां पर आपको इस मैच की जो लाइनअप रहेगी विद प्लेयर पोजीशन वाइज कि कौन से प्लेयर कौन सी पोजीशन खेलेगा उसका अकॉर्डिंग जो लाइनअप का अकॉर्डिंग जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं बोर्नमाउथ प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज बोर्नमाउथ एएफसी टीम की तरफ से चैंपियनशिप लीग में प्रीवियस सीजन में हाईएस्ट गोल टेकर अर्नाउथ डेंजुमा जो कि 17 गोल कर चुके थे इस टीम की तरफ से, इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में इसको पिक करके चलना ही चाहिए। वहीं पर बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम की तरफ से डोमिनिक शोलांके जिसने 15 गोल किए, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप इसको भी अपनी ड्रीम इलेवन टीम में पिक करके चलना। वहीं पर बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर जूनियर जो कि 10 गोल कर चुका है, लेकिन ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर है, तो इसलिए इसको भी पिक करना, क्योंकि अगर इसका ओपन प्लेयर से गोल नहीं आया तो हाई चांस रहेगा इस टीम की तरफ से पेनल्टी लेगा, अगर पेनल्टी में गोल मिलेगा तो आपके लिए करके भी देगा। बाकी यहां से फिलिप बिलिंग जिसने इस टीम की तरफ से 8 गोल किए, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहेगा, तो इन 4 प्लेयर्स को अपनी टीम में जरूर पिक करके चलना। वहीं पर बात करते हैं डेविड ब्रुक्स जो कि 5 गोल कर चुका, अगर आप यहां से किसी इन दोनों में किसी एक को कम करोगे ना तब यहाँ से डेविड ब्रुक को आप पिक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये सेंटर फॉरवर्ड ने दिखा रखा। बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना मैंने फिलहाल के लिए उन सबको टिक किया हुआ, इन्हें आप अपनी ड्रीम इलेवन टीम में पिक करके चल लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नज़र डालते हैं। तो गाइज असिस्ट के मामले में इस टीम की तरफ से डोमिनिक सोलांक जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट रहा, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन का भी। वहीं पर बात कर अर्नाउथ डेंजुमा जो कि इस टीम तरफ से 7 असिस्ट कर चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स अपनी टीम तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर भी हैं और हाईएस्ट असिस्ट टेकर भी हैं, इसलिए मैं इन दोनों को पिक करके चलाऊँ। बाकी यहाँ से डेविड ब्रुक्स है जिसने 7 असिस्ट किए हैं और 5 गोल किए हैं, और एडम स्मिथ है, और यहाँ से मैं फिलहाल के लिए फिलिप बिलिंग को पिक करके चलाऊँ क्योंकि इसने 8 गोल किए हैं और 4 असिस्ट किए हैं, तो इसको मैं फिलहाल के लिए पिक करके चलाऊँ, जूनियर को पिक करके चलाऊँ। बाकी आपके सामने सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं जो वेस्ट ब्रोमविच के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं वेस्ट ब्रोमविच के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज इंग्लिश प्रीमियर लीग में पिछली प्रीवियस सीजन ये इस टीम की तरफ से मैथ्यूस परेरा जो कि 11 गोल किए थे, मतलब किया था, और इसने 4 गोल तो पेनल्टी में किए, तो यहाँ से पता चलता है कि ये इस टीम तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी कर भी है और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी है, तो इसलिए इसको कैप्टन बनाकर जरूर चलना। आपकी चॉइस रहेगी, मैं लाइनअप आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मेरे टीम का कैप्टन कौन रहेगा, फिलहाल के लिए मैं इसी को कैप्टन बनाकर चलाऊँ क्योंकि प्रीमियर लीग में इसने 11 गोल किए इसलिए। और यहाँ से कैलम रॉबिन्सन जिसने 5 गोल किए प्रीमियर लीग में, वहीं पर बात करें तो काइल बार्टली जो कि 3 गोल कर चुका है, हेडर में काफ़ी मतलब आप मान सकते हो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से जो भी प्लेयर्स हैं मतलब एम्बाय डिएगने जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और आपको याद होगा ये शायद तुर्किश लीग के लिए खेलता है, बाकी मुझे इतना याद नहीं, सेमी अजाई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा क्योंकि ये आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट भी देगा और हेडर में
गोल करके भी दे सकता है। और इसने प्रीमियर लीग में जब जब गोल किए, जब हमने अपनी टीम में इसको पिक नहीं किया, एक बार इसको पिक किया था और उसमें एक गोल किया था, बल्कि इसने जब असिस्ट और गोल किए थे ना उस टाइम पर ही मेरी टीम में नहीं रहता था। तो यहाँ से ना थोड़े से इसके बारे में हमेशा कन्फ्यूज रह जाता हूँ कि इसको पिक करूँ या ना करूँ, लेकिन आफ्टर लाइनअप आज देखा जाएगा। बाकी यहाँ से जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं ना मैं उनको एक बार टिक कर देता हूँ। तो यहाँ से इन प्लेयर्स को आप अपनी ड्रीम इलेवन टीम में पिक करके जरूर चलना एक खुद की बेहतरीन टीम बनाने के लिए। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं। तो गाइज असिस्ट के मामले में टीम तरफ मैथिस परेरा, जिसने 11 गोल 6 असिस्ट और फर्स्ट चॉइस पैनल टेकर, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से डर्नेल फुरलोंग, जिसने 1 गोल और 3 असिस्ट किए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और इंटरसेप्शन टैकल का भी पॉइंट देगा। और यहाँ से डियाग ने 2 असिस्ट कर चुका, बाकी यहाँ से जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने इस मैच में 1-1 रखा, मतलब कि दोनों टीमों की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में 1-1 गोल होगा, मतलब दोनों टीमों की तरफ से गोल होंगे। और उसी प्रेडिक्शन के अनुसार हम इस मैच में संभाली की टीम बनाएंगे ड्रीम इलेवन पर। तो एक बार नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम पर। और उससे पहले अगर यार आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब स्टैंडर्ड लीग शुरू हो चुके हैं फुटबॉल में। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो हमें फॉलो ज़रूर करें YouTube पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी, वहां पर आपको फाइनल टीम विद जो प्लेयर अच्छे रहते हैं उनके बारे में क्लियरली बता दिया जाता है। और अपने लिए खुद की वीडियो को देखने के बाद ना खुद की बेहतर टीम बना सकते हो, इतना तो मुझे भी पता है, बाकी आपकी चॉइस है क्या करते हो क्या नहीं। बल्कि हम देखते हैं इस मैच का मतलब 1-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार जो टीम है वो। तो गाइज ये टीम सिर्फ और सिर्फ मतलब दोनों टीमों की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि गोल होंगे, उसी कंडीशन के अनुसार ये टीम है, जिसमें कैप्टन परेरा को रख के चलें, वाइस कैप्टन सोलंको को पिक करके चलें, डेन जुमा को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, कैलम रॉबिन्सन को कर सकते हो, और यहाँ से डियंग गाना को भी कर सकते हो, मतलब जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनका रिकॉर्ड बेहतर है फिलहाल के लिए उन सब प्लेयर को इस टीम में पिक किया गया है। लेकिन आफ्टर लाइनअप जो टीम में चेंजिंग होगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन और सबसे ऊपर वाला कॉमेंट रहेगा ना जो, वो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला होगा और आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आई तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जो भी इस मैच की अपडेटेड टीम रहेगी वो आपको आफ्टर लाइनअप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात और, अगर आपको खुद का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है किसी प्लेयर को, तो यहाँ से ना सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको डीपली बताया है, मतलब किस प्लेयर को आप पिक कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते, किसको कैप्टन बना सकते हो, किसको नहीं बना सकते। तो प्लीज़ ना बाद में ये मत कहना अगर मेरी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन मतलब अगर फ्लॉप भी चला जाए तो ये मत कहना कि प्लीज़ सर यार तूने क्या कर दिया। देखो मैं वही करता हूँ जो पोजीशन कहती है, जो प्लेयर का रिकॉर्ड कहता है, जो मतलब प्रेडिक्शन कहती है। अब उससे बाहर जो भी होगा यार अपना तो फिर अलग नहीं होगा। तो बाकी जो टीम रहेगी वो आफ्टर लाइनअप आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।